लंबे से इंतजार के बाद कछार व बोरखोला के बीच संपर्क स्थापन के जाने के उद्देश्य को सामने रख बराक ब्रिज बनाया जा रहा है। सिलचर के अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में बन रहे बराक ब्रिज के निर्माण कार्य में इन दिनों जोरों पर कार्य चलाई जा रही है। इस अवसर पर कई लोग मौजूद रहकर क्षेत्र के कार्य का निगरानी कर रहे हैं। D2 कंस्ट्रक्शन के उद्योग से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोग शामिल हैं और सूझबूझ के साथ इस ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। संदर्भ में संस्थान के निदेशक योगेंद्र सिंह ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। काम तो नहीं रुका है क्योंकि हम लोग नदी के बीच वाला कर रहे हैं। अच्छा। और कोशिश करेंगे इसके जस्ट आगे पीवन है वो कोशिश करेंगे, लेकिन लास्ट वाला जो है वो रुक जाएगा। और उस तरफ और जैसे बारिश होगी तो पूरे काम रुक जाएगा क्योंकि हमारे पास रास्ता नहीं है। क्योंकि ये रास्ता जो हमने बनाई है किनारे किनारे, ये तो पानी में डूब जाएगी तो कोई बचेगा नहीं। उस तरफ जो नदी के उस पार आपका कोई अभी कोई प्रॉब्लम चल रहा है ना? क्लियरेंस मिल गया पूरा? उधर तो ठीक है, उधर क्लियर है, इधर तो कोई समस्या नहीं है? उधर नहीं समस्या है। तो उस तरफ कितना आ रहा है वो, कितना दिन में खत्म होने का चांस? मोस्टली मिलता तो टाइम हमको 30 मंथ्स का है, लेकिन शुरू में ही हम लोगों का काफ़ी टाइम करीब 9-10 महीने निकल गया था इधर का भी क्लियरेंस मिलने में। फिर भी हम लोग कोशिश में हैं कि इसको विद इन 2 ईयर्स बना दूँ, 2 ईयर्स इधर क्लियरेंस मिल जाएगी। 2021 तक? हाँ, 2021 में इसको दे देंगे।